हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईवाटोन 2mg टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्राइस, इसके मैन्युफैक्चरर, इसके कंटेंट्स, इसके यूजेस, इसके साइड इफेक्ट्स, इसके डोजेस और इसको कब नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड जेन्युइन और सच्ची इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। अगर आपको किसी भी मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ईवाटोन 2mg टैबलेट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का बनाया हुआ ब्रांड है और इसके अंदर एस्ट्राडियोल 2mg होता है। एस्ट्राडियोल एक एस्ट्रोजन के फॉर्म में आता है। यह बॉडी में नेचुरल हार्मोन्स एस्ट्रोजन को बदलने का काम करता है जो ओवरी के थ्रू नहीं बन पाते। चलिए बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में। इस टैबलेट को आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं? इस टैबलेट को आप हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी की प्रॉब्लम में, रजनी वृद्धि के बाद होने वाले ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम में, यूरी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में, टाइम से पहले ओवरी फेलियर की प्रॉब्लम में, ब्रेस्ट कैंसर में, प्रोस्टेट कैंसर में और मुहासों में। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस टैबलेट को डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज कर सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर इस टैबलेट का यूज हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी में, रजनी वृद्धि के बाद वुमेन में हड्डियों की कमजोरी को रोकने में, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम में और कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में यूज किया जाता है। चलिए बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस टैबलेट को खाने से आपकी बॉडी पर क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? इस टैबलेट को खाने से आपको हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है और लूज मोशन भी हो सकते हैं। अगर आप ये टैबलेट ले रहे हैं या फिर लेना स्टार्ट करते हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर फील होता है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। चलिए बात करते हैं इस टैबलेट के प्रिकॉशंस के बारे में। इस टैबलेट को कब नहीं लेना चाहिए? अगर आपको ड्रग एलर्जी हो, मतलब इस टैबलेट में दिए गए कंटेंट से एलर्जी होना, आप डिप्रेस्ड हो, हाई बीपी हो, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो और एंजियोडेमा की प्रॉब्लम हो, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपका इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर इस टैबलेट को यूज करें। चलिए बात करते हैं इस टैबलेट के डोजेस के बारे में। इस टैबलेट को यूज कैसे करना है? इस टैबलेट को वुमेन्स दिन में एक बार वंस अ डे कुछ खाने के बाद ले सकते हैं। ये टैबलेट ओनली वुमेन्स के लिए है। अगर आपको इस टैबलेट को खाने से ज्यादा प्रॉब्लम होती है या फिर आपको कोई साइड इफेक्ट्स होता है तो प्लीज डॉक्टर को आप जरूर दिखाइए। डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन देखकर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करेगा। ये टैबलेट वुमेन्स हार्मोन्स रिप्लेसमेंट के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइज, ये था ईवाटोन 2mg टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।